बॉलीवुड में ऐसे कई एक्टर्स हैं जो अपने हिट फिल्मों के साथ साथ गुस्से के लिए जाने जाते हैं, और इसमें सबसे पहले नाम आता है सलमान खान का। फिल्म इंडस्ट्री के दबंग खान का कई लोगों के साथ हो चुका है पंगा, और सलमान खान कई बार हाथापाई पर भी उतर आते हैं। कौन भूल सकता है सलमान का 2008 में शाहरुख खान से झगड़ा। कहते हैं सलमान ने तब किंग खान पर थप्पड़ तक चला दिया था। देखा जाए तो सलमान ने गुस्से में शाहरुख पर ही नहीं कई और लोगों पर भी हाथ छोड़ा है। लिस्ट बहुत लंबी है कई स्टार्स जो हुए दबंग सलमान के थप्पड़ के शिकार। ऐश्वर्या राय। बॉलीवुड एक्ट्रेस और मिस वर्ल्ड रह चुकी ऐश्वर्या राय बच्चन का नाम भी इस लिस्ट में शामिल है। सलमान और ऐश्वर्या के इश्क के बारे में हर कोई जानता है। ऐश्वर्या राय ने सलमान खान से ब्रेकअप के बाद आरोप लगाया था कि सलमान खान ने उन पर हाथ उठाया। सलमान के खिलाफ उन्होंने एक प्रेस रिलीज जारी की थी और कहा था कि सलमान कई बार उन पर हाथ उठा चुके हैं। रणबीर कपूर। सलमान खान का रणबीर कपूर के साथ भी 36 का आंकड़ा है। कई लोगों को लगता था कि रणबीर और सलमान में पहली लड़ाई कैटरीना कैफ की वजह से हुई, लेकिन ऐसा नहीं है। कहानी उस समय की है जब रणबीर कपूर बॉलीवुड में लॉन्च भी नहीं हुए थे और एक पार्टी के दौरान सलमान ने उन पर थप्पड़ चला दिया था। लेकिन जब सलमान के पिता सलीम खान ने इस बात पर उन्हें समझाया तो उन्होंने माफी मांगी। हालांकि जब कैटरीना से रणबीर का रिलेशनशिप शुरू हुआ तब इन दोनों की दुश्मनी और बढ़ गई। कैटरीना कैफ। सलमान खान का कैटरीना कैफ से भी लंबा रिश्ता रहा और इस लव स्टोरी में भी थप्पड़बाजी हुई। कहा जाता है कई बार सलमान ने कैटरीना पर हाथ उठाया था। फिल्म टाइगर जिंदा के सेट पर तो कैटरीना के पीछे छड़ी लेकर दौड़ पड़े थे। कहा जाता है कि कैटरीना ने सलमान के गुस्सैल स्वभाव की वजह से ही उनसे ब्रेकअप कर लिया था। शाहरुख खान। सलमान खान और शाहरुख खान को बहुत अच्छा दोस्त माना जाता है, लेकिन साल 2008 में इनके बीच भयंकर लड़ाई हुई थी। कैटरीना कैफ की बर्थडे पार्टी में सलमान खान ने शाहरुख के साथ एक मजाक कर दिया था, जिसके बाद गुस्से में सलमान खान ने शाहरुख को किसी बात पर थप्पड़ मार दिया। इसके बाद दोनों के बीच जमकर लड़ाई हुई। अनुराग कश्यप। फिल्म तेरे नाम में अनुराग कश्यप को डायरेक्ट करना था और उन्होंने सलमान खान से फिल्म के लिए सीने के बाल हटाने को कहा, जिसके बाद सलमान खान इतने गुस्से में थे कि उन्होंने गुस्से में अनुराग को थप्पड़ मार दिया। इसके बाद उन्होंने प्रोड्यूसर से बात की और उन्हें फिल्म से हटा दिया। बाद में इस फिल्म का निर्देशन सतीश कौशिक ने किया। सतीश कौशिक। फिल्म तेरे नाम के दौरान ही एक झगड़े के दौरान सतीश कौशिक को सलमान खान ने जोरदार तमाचा मारा था। इस वाक्य के बाद दोनों ने आपस में बात सुलझाई और अब अच्छा रिश्ता शेयर करते हैं। सुभाष घई। साल 1999 में जब ऐश्वर्या सुभाष घई के साथ फिल्म ताल में काम कर रही थी तब सलमान ने किसी बात के चलते सुभाष घई को थप्पड़ मार दिया था। हालांकि बाद में सलमान ने भी अपनी गलती के लिए माफी मांगी थी। साल 2008 में सलमान खान ने सुभाष घई के साथ फिल्म युवराज में काम किया था। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप एंटरटेनमेंट की कोई भी खबर मिस ना करें। चाहे बॉलीवुड और टीवी से जुड़ी बिग न्यूज हो या स्टार्स का लाइफस्टाइल, बीटाउन की कोई पार्टी हो या सेलिब्रिटीज की डेटिंग, फिल्म और टीवी इंडस्ट्री की गॉसिप हो या कंट्रोवर्सीज, हर वीडियो मिलेगा E24 पर। तो फिर धमाकेदार एंटरटेनमेंट के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए E24।